हेलो फ्रेंड्स, मैथमेटिकल एजुकेशन के इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। हम लोग रिंग थ्योरी के ऊपर डिस्कस कर रहे थे, जहां पर हम लोग ने ये डिस्कस किया था कि रिंग क्या होता है, मींस कोई भी सेट रिंग स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कब करता है, और रिंग की कुछ प्रॉपर्टीज या कुछ स्पेशल टाइप की रिंग्स देखी थी, जैसे कि कमोटेटिव रिंग, रिंग विद यूनिटी, रिंग विद जीरो डिविजर एंड रिंग विदाउट जीरो डिविजर्स। तो ये चीजें हम लोग रिंग के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग को कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स डिस्कस करने हैं जो यही रिंग की जो तीन चार प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं उन्हीं से मिला जुला के बनते हैं। तो उनमें से सबसे पहला स्ट्रक्चर आता है इंटीग्रल डोमेन का। तो इस वीडियो में हम लोग को यही इंटीग्रल डोमेन की डेफिनेशन देखनी है और यह देखना है कि कैसे किसी भी सेट में हम लोग टेस्ट करते हैं या चेक करते हैं कि हमारा दिया गया सेट एक इंटीग्रल डोमेन है या नहीं। इसके सिवा हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखेंगे इंटीग्रल डोमेन के। तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंटीग्रल डोमेन की डेफिनेशन से, जो कि काफी सिंपल और काफी इजी है। इंटीग्रल डोमेन की डेफिनेशन होती है आ कमोटेटिव रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर या विदाउट जीरो डिवीजर is called integral domain। तो बस एक सीधा सा स्टेटमेंट है कि a commutative ring without zero divisor is called integral domain। कहने का मतलब है कोई भी रिंग जो कमोटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करे और विदाउट जीरो डिवीजर हो, ये दोनों प्रॉपर्टीज हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो उन्हीं को दोनों को मिला दिया गया है और कहने का डायरेक्ट मतलब है कि कोई भी रिंग अगर वो कमोटेटिव रिंग है और साथ ही साथ उस रिंग में विदाउट जीरो डिवीजर की प्रॉपर्टी होल्ड होती है तो वो रिंग इंटीग्रल डोमेन कहलाएगा। कैसे ये टेस्ट करेंगे हम लोग? तो मान लीजिए कि कोई एक नॉन इंपटी सेट है, लेट आर बी एनी नॉन इंपटी सेट, मतलब आर कोई नॉन इंपटी सेट है, मतलब आर में कम से कम एक एलिमेंट है, तो ये आर इंटीग्रल डोमेन कहलाएगा, या फिर हम कहें ये आर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के लिए डिफाइन है। तो यही R सेट या ये स्ट्रक्चर इंटीग्रल डोमेन कहलाएगा अगर ये एक पहली बात तो रिंग हो। रिंग होने का क्या मतलब होता था कि R एडिशन ऑपरेशन के लिए एक एबिलियन ग्रुप हो, बी एन एबिलियन ग्रुप, किस ऑपरेशन के लिए? एडिशन ऑपरेशन के लिए। दूसरी प्रॉपर्टी थी कि R मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के लिए सेमी ग्रुप होना चाहिए, और तीसरी प्रॉपर्टी थी कि डिस्ट्रीब्यूशन लॉ होल्ड करना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कैसा डिस्ट्रीब्यूशन लॉ? एडिशन की रिस्पेक्ट में मल्टीप्लिकेशन का, मतलब अगर हम कोई तीन एलिमेंट ले लें ऐसे ए बी सी, तो वो ये प्रॉपर्टी और दूसरी ये प्रॉपर्टी, मतलब कि लेफ्ट एंड राइट बोथ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ होल्ड करेंगे, तो ये प्रॉपर्टी कहलाती है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो अगर कोई भी नॉन इंपटी सेट R है जो एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के लिए डिफाइन है तो वो रिंग कहलाता है, अगर एडिशन ऑपरेशन के लिए वो एबिलियन ग्रुप हो। एबिलियन ग्रुप कहने का मतलब है कि एडिशन ऑपरेशन के लिए क्लोजर, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स और कमोटेटिव लॉ फॉर एडिशन ऑपरेशन होल्ड करे, इस सेट फॉलो करता है तो उसे हम कहेंगे कि वो एक एबिलियन ग्रुप है। दूसरी चीज क्या है कि वो मल्टीप्लिकेशन के लिए सेमी ग्रुप होना चाहिए। सेमी ग्रुप का क्या मतलब है कि मल्टीप्लिकेशन के लिए क्लोजर और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करे। तीसरी चीज है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ होल्ड करने चाहिए लेफ्ट एंड राइट इस सेट आर के सभी एलिमेंट के द्वारा। तो ये हो जाता है किसी भी सेट के रिंग होने की कंडीशन। अभी भी लेकिन हमारे इंटीग्रल डोमेन की डेफिनेशन क्या है? कमोटेटिव रिंग, मतलब अगर यही रिंग कमोटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड कर जाए तो रिंग में
कोई भी रिंग कमोटेटिव रिंग कब कहलाती थी? अगर वो मल्टीप्लिकेटिव कमोटेटिव लॉ होल्ड करे, जिसका मतलब होता था इफ ए बी बिलोंग्स टू द आर देन दिस इंप्लाई ए प्रोडक्ट बी इज इक्वल्स टू बी प्रोडक्ट ए। तो ये अगर प्रॉपर्टी होल्ड कर जाए कोई भी रिंग, तो वो रिंग कहलाती है कमोटेटिव रिंग। और यही रिंग अगर विदाउट जीरो डिवीजर हो, विदाउट जीरो डिवीजर कहने का क्या मतलब है कि अगर हम आर के किन्हीं भी दो एलिमेंट को लें इन आर, इफ ए प्रोडक्ट बी इज इक्वल्स टू जीरो, देन आइदर ए इज इक्वल्स टू जीरो और बी इज इक्वल्स टू जीरो। कहने का मतलब है कि अगर हम सेट R में कोई भी दो एलिमेंट लें और उनका प्रोडक्ट जीरो के इक्वल आए, तो उनमें से एक ना एक एलिमेंट जीरो ही होना चाहिए। उस केस में हम लोग कहते हैं कि हमारा रिंग विदाउट जीरो डिवीजर है। अब देखिए, अगर हमारा कोई भी सेट R ये पांचों प्रॉपर्टी होल्ड करेगा तो वो सेट कहलाएगा इंटीग्रल डोमेन या कमोटेटिव रिंग विदाउट जीरो डिवीजर, क्योंकि वो रिंग स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर रहा है और वो रिंग कैसी है? कमोटेटिव रिंग। क्यों है? क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के लिए कमोटेटिव लॉ होल्ड कर रहा है, और साथ साथ वो रिंग विदाउट जीरो डिवीजर है। तो मतलब हम लोग मिला जुला के कह सकते हैं कमोटेटिव रिंग विदाउट जीरो डिवीजर, और यही डेफिनेशन होती है इंटीग्रल डोमेन की। तो अगर हम लोग डायरेक्ट कहें कि कोई भी नॉन इंपटी सेट R जो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के लिए डिफाइन है वो इंटीग्रल डोमेन कहलाएगा, अगर वो एडिशन ऑपरेशन के लिए एबिलियन ग्रुप बनाए, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के लिए सेमी ग्रुप का फॉर्मेशन करे, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ होल्ड करे कि अगर हम लोग R के कोई भी तीन एलिमेंट लें ए बी सी, तो उनमें से कोई दो को ऐड करें और चाहे लेफ्ट या राइट से कोई तीसरा एलिमेंट मल्टीप्लाई करें, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन करने पर भी आने वाला रिजल्ट इक्वल ही होना चाहिए। मतलब कि उन दोनों एलिमेंट में अलग अलग भी तीसरा एलिमेंट मल्टीप्लाई करने पे वही रिजल्ट आना चाहिए। और कमोटेटिव लॉ मल्टीप्लीकेशन के लिए होल्ड करें, और पांचवी प्रॉपर्टी रिंग विदाउट जीरो डिवीजर की प्रॉपर्टी होल्ड करे, तो आर सेट हमारा इंटीग्रल डोमेन कहलाएगा। मतलब किसी भी सेट को इंटीग्रल डोमेन अगर हमें दिखाना है तो ये पांचों प्रॉपर्टी उसमें शो करनी होंगी। आइए कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल हम लोग का है इंटीजर का सेट। जो इंटीजर का सेट होता है वो एक इंटीग्रल डोमेन होता है, इंटीग्रल डोमेन होता है ये, और इसे हम लोग दिखा भी चुके हैं कई बार। ये सेट हम लोग कई बार दिखा चुके हैं, तो यहां पर इसे नहीं शो करेंगे। इसे हम लोग ने जब रिंग में भी एग्जांपल लिया था तो वहां पर हम लोग ने दिखाया था कि हम लोग का इंटीजर एक कमोटेटिव रिंग होता है, और जब जीरो डिवीजर पे डिस्कस किया था तो वहां पर भी एग्जांपल लिया है। तो आप इसे पिछले वीडियो से देख सकते हैं कि इंटीजर का सेट कैसे इंटीग्रल डोमेन होता है। एक सेकंड सेट हम लोग ले लेते हैं जो कि है 2z का। यह भी इंटीग्रल डोमेन होता है जिसके एलिमेंट होते हैं 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6 प्लस माइनस 8। ये भी एक इंटीग्रल डोमेन होता है। इंटीग्रल डोमेन होता है का कहने का मतलब है कि ये पांचों प्रॉपर्टी होल्ड करता है। आप देख भी सकते हैं, देखिए ये एडिशन ऑपरेशन के लिए एक एबिलियन ग्रुप बनाएगा। क्यों एबिलियन ग्रुप बनाएगा? क्योंकि ये क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन ऑपरेशन के लिए फॉलो करता है। कैसे? अगर देखिए हम लोग कोई भी दो इवन नंबर लें या जीरो लें, उनको आपस में जोड़ेंगे तो उनका रिजल्ट भी हमेशा इवन नंबर ही आएगा। दो को चार में जोड़िए छह, छह को बारह में जोड़िए अठारह, माइनस छह में चार जोड़िए माइनस दो, तो पॉजिटिव या निगेटिव आना उसको दो के मल्टीपल में ही है, और हमारे सेट के सारे एलिमेंट डबल के मल्टीपल ही हैं। तो मतलब हम किन्हीं भी दो एलिमेंट को आपस में जोड़ेंगे तो आने वाला रिजल्ट भी हमारे इसी से 2z का एलिमेंट होगा। दूसरी चीज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि ये सारे जो एलिमेंट्स हैं इंटीजर्स के ही एलिमेंट्स में से हैं, और जब इंटीजर्स एसोसिएटिव एडिशन लॉ होल्ड करता है तो ये भी होल्ड करेंगे। क्यों? क्योंकि इंटीजर्स में से ही है और इंटीजर्स तो होल्ड ही करता है, तो उसके कुछ एलिमेंट भी तो वो प्रॉपर्टी होल्ड करेंगे।
ये बात हो जाती है। तीसरी चीज क्या आती है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी जीरो होती है वो उसकी यहां पर एग्जिस्टेंस है। दूसरी चीज है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स फॉर एवरी एलिमेंट, मतलब हर एलिमेंट का एडिटिव इनवर्स होना चाहिए। और हर एक एलिमेंट का एडिटिव इनवर्स क्या होता है, जैसे दो का हमें एडिटिव इनवर्स निकालना है तो क्या आएगा, माइनस टू, टू को उधर ट्रांसफर किया तो माइनस टू, फोर का माइनस फोर, सिक्स का माइनस सिक्स, एट का माइनस एट। तो यहां पर देखिए अगर टू है तो माइनस टू भी है, फोर है तो माइनस फोर भी है, सिक्स है तो माइनस सिक्स भी है, तो मतलब हर एक एलिमेंट का एडिटिव इनवर्स भी बिलोंग करता है और कमोटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करता है। क्यों, क्योंकि इंटीजर्स कमोटेटिव लॉ एडिशन के लिए फॉलो करते हैं, तो ये उसी का एक सबसेट है, तो ये भी एडिशन के लिए कमोटेटिव लॉ होल्ड करेगा। इतनी प्रॉपर्टीज दिखाने के बाद हम लोग कहेंगे कि 2z be an abelian group with respect to addition operation। तो मतलब अभी हम लोग का आधा काम भी नहीं हुआ, ये हम लोग ने पहली प्रॉपर्टी शो कर दी। फिर सेकेंड टाइम हमें दिखाना होगा कि जो हम लोग का ये सेट है ये मल्टीप्लीकेशन के लिए एक सेमी ग्रुप है। ये कैसे दिखाते हैं, तो इसके लिए हमें दिखाना होता है कि मल्टीप्लीकेशन के लिए हमारा सेट क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करता है। अब क्लोजर प्रॉपर्टी की फिर वही विशेषता कि अगर हम अपने सेट के कोई भी दो एलिमेंट आपस में मल्टीप्लाई करें तो उनका रिजल्ट इसी सेट का एलिमेंट आना चाहिए। तो देखिए अगर आप किन्हीं भी दो इवन नंबर मतलब दो के मल्टीपल नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे दो का चार से आठ, छह को आठ से अड़तालीस, दो को छह से बारह, तो उनका रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव या निगेटिव इवन नंबर यानी दो का मल्टीपल ही आना है। तो मतलब एडिशन के लिए ये क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेंगे। एसोसिएटिव के लिए फिर से वही प्रॉपर्टी लिख दीजिए कि ये इंटीजर्स का सबसेट है और इंटीजर एसोसिएटिव होते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए, इसका मतलब वो एसोसिएटिव लॉ भी मल्टीप्लिकेशन के लिए होल्ड करेंगे। हमने दो प्रॉपर्टीज दिखा दी, अब तीसरी प्रॉपर्टी की ओर बढ़ते हैं, वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। इसमें भी वही चीज आप लिख दीजिए और नहीं तो यहां पर कुछ एग्जांपल्स लेके दिखा ही दीजिए। 2 प्लस 6 इज इक्वल टू क्या होगा, 10, 2 जा 20, और अब आरएचएस में दिखाइए तो हम लोग का ए है 2, बी है 4 प्लस 2 इंटू 6, तो ये आएगा 8, 12। देखिए दोनों रिजल्ट सेम है, या फिर आप सीधे यहां पर भी लिख दीजिए कि चूंकि डिस्ट्रीब्यूशन ला इंटीजर्स फॉलो करते हैं और हम लोग का दिया गया सेट इंटीजर्स का एक सबसेट है, तो मतलब डिस्ट्रीब्यूशन लॉ होल्ड करेगा। ये हो गया, तो मतलब इतने से हमें ये चीज क्लियर हो गई कि जो ये 2z सेट है ये रिंग है। अब हमें रिंग के आगे भी कुछ दिखाना है, कमोटेटिव लॉ। ये प्रॉपर्टी भी आप सिमिलरली वैसे ही लिख देंगे कि मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन के लिए इंटीजर्स कमोटेटिव लॉ होल्ड करते हैं और हमारा दिया गया सेट भी एक इंटीजर्स का सबसेट है, इसलिए वो भी मल्टीप्लिकेटिव कमोटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगा। सिंपली आपको यही लिख देना है और बस ये टिक हो जाएगा, नहीं तो आप चाहिए तो चेक भी कर सकते हैं। अगर आप 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें 8, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें 8, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें 12, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करें 12, मतलब उल्टा सीधा कैसे भी मल्टीप्लाई कीजिए रिजल्ट सेम आने हैं। तो इतनी चार प्रॉपर्टीज दिखाने के बाद हम लोग कहेंगे कि हमारा जो ये 2z सेट है ये एक कमोटेटिव रिंग है। अभी भी एक प्रॉपर्टी बची है जो कि है विदाउट जीरो डिवीजर की। तो ये प्रॉपर्टी कहती है कि हम अगर अपने इस सेट में किन्हीं भी दो एलिमेंट का मल्टीप्लाई करें, जैसे कि हमने 2 एंड 4 का मल्टीप्लाई किया, सॉरी 2 एंड 4 छोड़ देते हैं, किन्हीं भी अगर हम अपने इस सेट के किन्हीं भी दो एलिमेंट का मल्टीप्लाई करें तो उनका रिजल्ट जीरो सिर्फ और सिर्फ इस केस में आना चाहिए कि उन दोनों में से कम एक एलिमेंट जीरो है। मतलब इसी को दूसरी तरीके से हम ये कह सकते हैं कि अगर हम कोई नॉन जीरो दो एलिमेंट को इस सेट के मल्टीप्लाई करें तो हमारा रिजल्ट जीरो नहीं आना चाहिए। जैसे दो को चार से मल्टीप्लाई करें जीरो नहीं आना चाहिए, नहीं आएगा। दो को दो से, दो को दस से, दस को बीस से, मतलब अगर आप इस सेट में देख सकते हैं आप कोई भी दो नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लाई करेंगे, चाहे जो
चार को दो से, दो को छह से, छह को आठ से, माइनस छह को माइनस दो से, उनका रिजल्ट कभी भी जीरो नहीं आने वाला। तो इसलिए हम लोग कहेंगे कि टू जेड इज अ रिंग विदाउट जीरो डिवीजर या इज विदाउट जीरो डिवीजर, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। तो ये हमने पांच की पांचों प्रॉपर्टी होल्ड कर दी। ये अगर विदाउट जीरो डिवीजर थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है तो सिंपल सा देखिए, इसके कहने का, इस प्रॉपर्टी के कहने का मतलब है कि अगर हम अपने सेट के कोई भी दो एलिमेंट मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका रिजल्ट जीरो उसी केस में आए कि उनमें से कोई ना कोई एलिमेंट जीरो हो, और वैसा ही इस सेट में होगा भी। अगर आप जीरो को दो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आ जाएगा, दो को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी जीरो आ जाएगा, लेकिन अगर आप दो को जीरो के सिवा किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई कीजिए, इस सेट की बात हो रही है, किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई कीजिए जीरो नहीं आएगा, इसीलिए यह सेट कहलाएगा जीरो विदाउट जीरो डिवीजर डिवीजर। इसी तरीके से हर एलिमेंट के लिए अगर हम लोग टेस्ट कर लें। और अब देखिए, हम लोग का सेट ये पांचों प्रॉपर्टी होल्ड करता है तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि टू जेड एडिशन मल्टीप्लीकेशन बी एन इंटीग्रल डोमेन बी एन। तो बहुत छोटा सा टॉपिक है, बस हम लोग ने एग्जांपल को थोड़ा एक्सप्लेन किया इसलिए लंबा टॉपिक हो गया, बाकी बहुत छोटा सा टॉपिक है। बस क्या कहना है कि कोई भी नॉन इंपटी सेट इंटीग्रल डोमेन कहलाएगा अगर वो रिंग है, उसके साथ साथ वो कमोटेटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लीकेशन होल्ड करता है और विदाउट जीरो डिविजर रिंग है, तो वो सेट कहलाएगा इंटीग्रल डोमेन। तो ये बात हो गई इंटीग्रल डोमेन की। नेक्स्ट टाइम हम लोग कोई नया स्ट्रक्चर लेके आएंगे जिसका नाम होगा एसक्यू फील्ड या डिवीजन रिंग। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।